हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिटेक चैनल। आप लोग जो गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए आज गुड न्यूज़ है कि ओएफआरसी का एक एडवर्टाइजमेंट निकल के आया है, जिसमें आपको अगर आप टेंथ पास भी है तब भी आपके लिए गवर्नमेंट जॉब, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, आपको मिलेगा। जिसके लिए आपको अगर आपके पास ITI है तो आपके पास आप अप्लाई कर सकेंगे 3847 पोस्ट के लिए, और अगर आप नॉन ITI है तो आपके लिए पोस्ट है 2219। तो इसमें इसका जो एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी वो अभी शुरू हो चुका है, 10 जनवरी से शुरू होना था तो वो शुरू हो चुका है, और वो चलेगा अप टू 9 फरवरी 2020 11:59 PM। लेकिन एज रिलैक्सेशन के बारे में कुछ प्रॉब्लम शायद आप किसी कुछ एप्लीकेंट्स को आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 15 to 24 years है। तो 9 फरवरी तक आपको 15 to 24 years के अंदर ही होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अगर आपको किसी भी कैटेगरी है तो आपके लिए कुछ रिलैक्सेशन है। सपोज फॉर एससी या एसटी कैंडिडेट के लिए 5 years है, ओबीसी के लिए 3 years है। फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप UR है तो आपको लिए 10 years, ओबीसी है तो 13 years, SC ST है फॉर तो 15 years। और ये तो है नेक्स्ट है फॉर ITI कैंडिडेट्स। तो फॉर ITI कैंडिडेट्स अपर एज लिमिट इज फर्दर रिलैक्स बाई द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ऑलरेडी अंडरगन एज पर द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ NCVT और NCSCVT इन द रिलेवेंट ट्रेड। अब आते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें आपको आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो नॉन ITI है, जो सिर्फ क्लास 10 पास है, जो सिर्फ माध्यमिक पास है, उनके लिए अगर आपको माध्यमिक पास होना होगा पहली बात। दूसरी बात, आपके माध्यमिक में या क्लास 10 में 50% एग्रीगेट होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आपकी मैथ्स एंड साइंस में 40% होना चाहिए। और फॉर ITI कैटेगरी आपको NCVT और SCVT और एनी अदर अथॉरिटी सर्टिफाइड आपको रिलेवेंट टेस्ट ट्रेड टेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, वैकेंसी तो दिया हुआ है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो हम लोग सिर्फ हाईलाइट्स दे रहे हैं। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो हम लोग के लिंक में आपको पूरी एडवर्टाइजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो हम लोगों की जो डिस्क्रिप्शन है उनमें से आपको ऑनलाइन अप्लाई की लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो आपको 100 rupees का पे भी करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। और जिसमें क्या क्या चीज़ है, कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन ओनली डायरेक्ट थ्रू द लिंक गिवन इन द वेबसाइट। तो आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स मस्ट फिल देयर पर्सनल डिटेल्स केयरफुली। कैंडिडेट्स शुड एंश्योर दैट देयर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स ऑब्टेन शैल एग्जैक्टली मैच विद व्हाट इज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। तो आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ, आपको आपकी नाम, जो फादर्स नेम या मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप लोग इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे, फिल करने के वक्त जब भी इंफॉर्मेशन आप देंगे, उस इंफॉर्मेशन और आपकी रिलेवेंट जो सर्टिफिकेट्स है उनकी इंफॉर्मेशन में अंतर नहीं होना चाहिए, वो दोनों इंफॉर्मेशन सेम होना चाहिए। एनी डेविएशन फाउंड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपको आपकी डॉक्यूमेंट आपकी जो एप्लीकेशन वो रिजेक्ट भी हो सकता है और आपकी कोई आप पे कोई चार्ज भी लग सकता है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंडिकेट देयर एक्टिव मोबाइल नंबर। आपकी मोबाइल नंबर जो एक्टिव है वो भी देना चाहिए और देना पड़ेगा, और आपकी ईमेल आईडी भी देना पड़ेगा, ताकि आपको स्टेटस आपकी जो एप्लीकेशन का स्टेटस आपको बता सके।
While filling the application form, तो the applicant must read the following instruction. Following कुछ instruction दिया हुआ है वो आपको फिल करना आपको पढ़ना पड़ेगा. दोस्तों आपको अगर यहाँ पे अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम आपको इस एडवर्टाइजमेंट की फुल कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए. थैंक यू.